आज बात उस मुकाबले की करेंगे जब एक पॉइंट जीतने के लिए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अकेले लड़ गए थे। हालांकि उस दौरान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी कोहली ने अपने कंधों पर डाल ली थी। तारीख 28 फरवरी 2012, भारत बनाम श्रीलंका, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज का ये मैच, जिसमें श्रीलंका के तिलक रत्न दिलशान ने 160 रनों की ताबड़तोड़ पाई और संगकारा ने 105 रन और भारतीय टीम के सामने लक्ष्य रखा 321 रन। जवाब में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी उतरी। दोनों ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। 6 ओवर में भारतीय टीम 54 रनों पर पहुंच गई थी, तभी सहवाग 30 रन पर आउट हो जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद सचिन भी चलते बनते हैं। उसके बाद गंभीर और विराट कोहली श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हैं। मलिंगा से लेकर मैथ्यूज की जमकर पिटाई होती है। गंभीर तो रन आउट हो जाते हैं मैथ्यूज के थ्रो पर, जिन्होंने 63 रन बनाए थे, लेकिन कोहली का बल्ला इस कदर आग उगलता है कि अंतर देखकर आप भी कहेंगे कि ये क्या। कोहली आते ही चौके छक्कों की बरसात कर देते हैं। विराट कोहली 133 मिनट बल्लेबाजी करते हैं, जिसमें 86 गेंदों पर 133 रन बना देते हैं, जिसमें 16 चौके और 2 शानदार छक्के, और बाद में उनका शानदार साथ देते हैं सुरेश रैना, जो 24 गेंदों पर 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और भारतीय टीम को 37वें ओवर में ही जीत दिला देते हैं। इस तरीके से भारतीय टीम ने बोनस पॉइंट भी लिया और फाइनल में जगह भी बनाई। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब।